तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, और ये वाला टॉपिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पर भी समझा दिया था। आज मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करा देता हूं, उसके बाद 1.2 स्टार्ट होने से पहले जो कुछ एग्जांपल क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा देता हूं और समझा देता हूं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक में क्या बोला है, देखिए, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। हर कॉम्पोजिट नंबर को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं आपको याद दिला दो, जिनका मोर देन टू फैक्टर्स होता है, मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 10 एक नंबर हो गया, इसका क्या क्या फैक्टर्स है, इसके फैक्टर्स है 1, 2, 5 and 10, है ना। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, इसके फैक्टर्स क्या है, 1, 2 and 4, मोर देन टू फैक्टर्स हो गए। एंड प्रोडक्ट, सभी कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2 का क्या क्या फैक्टर है, 1 and 2, 1 in the number itself, इस तरह के नंबर को बोलते हैं प्राइम, 1 and 3। उसके बाद 5 का देखिए, 1 and 5, है ना। तो ऑड और इवन, मतलब ऑड और प्राइम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये मत समझिए कि इवन प्राइम नहीं हो सकता, इवन भी प्राइम हो सकता है। जैसे 2 एक इवन नंबर है, वो प्राइम है। तो प्राइम का डेफिनेशन अलग ही है, क्या होता है प्राइम नंबर, जिसका फैक्टर दो ही होता है, एक होता है 1 और दूसरा फैक्टर जो होता है वो नंबर खुद होता है। तो बोला सभी कॉम्पोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये क्या होगा, यूनिक होगा, सभी नंबर का अलग अलग होगा और उससे मिलता जुलता कोई दूसरे नंबर का नहीं होगा। उसका क्या मतलब है ये भी मैं समझाता हूँ। जैसे कि ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 का और 10 का फैक्टर्स और 4 का फैक्टर्स लिखा है ना, तो चलिए 10 का ही मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। जब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 into 5 आएगा। 4 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब क्या आएगा, 2 into 2 आएगा। इस तरीके से कोई दूसरा प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100 ले लिया, 100 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसमें क्या आएगा, 2 into 2 into 5 into 5, ये हो गया 2 into 5, ये 2 square, और ये हो जाएगा 2 square into 5 square। तो सभी कॉम्पोजिट नंबर का जो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कर रहे हैं, ठीक है, जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, वो क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। देखिए 10 का 2 इंटू 5 आया है, 4 का 2 स्क्वायर आया है, 100 का 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आया है। तो कहने का यही कहना चाह रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक में, कि आप कोई भी कंपोजिट को जब उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस करेंगे, उसका जो फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब एक दूसरे से नहीं मिलेगा। जैसे 2 स्क्वायर अगर लिखेंगे तो केवल 4 का ही होगा, दूसरे किसी नंबर का नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। जैसे 10 को 2 इंटू 5 लिखा तो हम इसको 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इसका 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 ही होगा, जैसे इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिखा तो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ ऑर्डर अलग हो सकता है, लेकिन उसमें आने वाले जो प्राइम फैक्टर्स है वो अलग नहीं होंगे। जैसे इसमें देखो 2, 2, 5, 5, 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, तो आगे पीछे कैसे भी लिख लो 2 बार 2 और 2 बार 5 ही आएगा। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ठीक है। तो इस पे बेस्ड करके हमारा अगला जो एक्सरसाइज है वो होगा। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा बता दूँ, आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, इसके बाद बाकी सारी चीज़ जो भी लिखे हैं किताब में, मतलब जो जानने वाली बात है, जिसके जिसको यूज़ करके आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। बाकी जो टेक्स्ट बुक में दिया वो पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आई थिंक, मतलब जो मेन चीज़ है इसमें वो मैंने बता दिया है। अब इसमें बुक में एक और आपको मिलेगा फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री आपने कोई क्लास 7 में किया होगा, 6-7 में किया होगा। क्या होता है फैक्टर ट्री, जैसे मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम लोग, फॉर सिंप्लिसिटी मैं 100 को ही लेता हूँ, तो 100 को जब हम लोग फैक्टर ट्री में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 को सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, क्या 100 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, तो क्या क्या नंबर के मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ 50, है ना, 2 के साथ 50, तो 2 into 50 into, हम यहाँ लिखते नहीं, बस ये समझने का बात है कि 250 100 हो रहा, तो ये एक प्राइम नंबर आ गया। फिर 50 को अलग तोड़िए, इसको फिर 2 into 25 कर सकते हैं, है ना, और ये कब तक करेंगे, जब तक सारा का सारा प्राइम नंबर नहीं आ जाता, तो ये 25 हो गया लास्ट में 5 into 5, तो 100 का क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 5 into 5। इस तरीके से कोई और प्राइम नंबर ले लीजिए, चलिए 150 ले लेते हैं, तो 150 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into
75 है ना, और 75 को फिर क्या लिख सकते हैं, 3, अगला प्राइम नंबर है 3, 3 इंटू 25, और 25 को फिर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ठीक है। तो चीज़ मैंने बता दिया था पहले ही इंट्रोडक्शन में, आज जस्ट उसको याद आपको मैं दिला रहा हूँ क्या था। तो ये था, ये है फैक्टर ट्री, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप फैक्टर ट्री से करते हैं तो इस तरीके से, जब तक सारा प्राइम नंबर नहीं आ जाता हम इसको तोड़ते रहते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा ये 150 का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का। अब फटाफट में जो एग्जांपल्स में क्वेश्चन है एक एक करके वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एग्जांपल 5। देखिए क्या बोला है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। यहाँ पर 4 टू द पावर n को कंसीडर करने के लिए कहा गया है। बोला है वेर n इज अ नेचुरल नंबर, ये जो n है इसका बात कहा गया, ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर। बोला चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n का कोई वैल्यू है, कौन सा n का, इसका कोई वैल्यू है, फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद 0, जिससे 4 टू द पावर n जो है 0 से एंड करे, ठीक है। तो आपको पूछना ये चाह रहे हैं कि आप n का कोई वैल्यू डाल सकते हैं ताकि 4 टू द पावर, जैसे n का वैल्यू अगर 1 डाले तो 4 इंटू 4 टू द पावर 1 4 हो जाता है, n का वैल्यू अगर आप 2 डालेंगे तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, उसी तरीके से n का वैल्यू अगर 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 क्यूब, मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। तो इस तरीके से क्या कोई n का वैल्यू है, n का कोई ऐसा वैल्यू है जो पुट करने पे ये वैल्यू क्या हो जाए, एंड विथ 0 हो जाए, मतलब 0 से एंड करे। तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझाने के लिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कुछ नंबर्स जो 0 से एंड करते हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ। सबसे छोटा नंबर जो 0 से एंड करता है वो है 10, उसके बाद 50 ले लेते हैं और उसके बाद ले लेते हैं 100, ये 3 काफ़ी है समझाने के लिए। तो 10 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इसमें, 2 इंटू 5 आएगा। उस तरीके से 50 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा, आप एलसीएम प्रोसेस कर सकते हैं या फिर फैक्टर ट्री कर सकते हैं। फैक्टर ट्री करेंगे तो कैसा होगा 50 का, देखिए 50 का होगा 2 इंटू 25, और फिर 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, है ना, इस तरीके से ये फैक्टर ट्री हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं रफ में, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा इजी लगे, 225 जा 50 एंड उसके बाद 5 5 जा 25, तो 50 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, और 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, इससे पहले थोड़ी देर पहले किया था हमने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस और भी कोई नंबर ले लीजिए, चलिए 130 एक नंबर लेते हैं, 130 का करके देखते क्या होता है, 2 इंटू 65, तो 130 का हो जाएगा, 130 का फैक्टर ट्री बना ले, बना के देख लेते हैं, 2 इंटू 65, फिर ये 65 किससे जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा लेकिन 5 से ज़रूर जाएगा, तो 5 13 जा, है ना, 5 3 जा 15 कैरी ओवर 1, हाँ 5 13 जा, तो 13 भी एक प्राइम नंबर हो गया, तो 2 इंटू 5 इंटू 13। तो अब चलिए काफ़ी है, हमने बहुत सारा नंबर देख लिया जिसका पीछे क्या है, 0 है, बाकी काम को मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें एक चीज़ फॉलो कीजिए, जितने भी नंबर जो है 0 से एंड हो रहे हैं उनमें एक बात कॉमन क्या है कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ज़रूर आएगा, 2 और 5 ज़रूर आएगा, ये देखिए सब में 2 और 5 आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है। ये अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 ज़रूर आएगा, बाकी नंबर्स आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आया, लेकिन 130 में एक और नंबर आया 13, तो बाकी नंबर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन 2 और 5 का होना ज़रूरी है। अगर 2 और 5 नहीं है किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में, दैट मीन्स वो नंबर जो है 0 से एंड नहीं करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब आप
इस चीज़ को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस नॉलेज को, और देखिए 4 to the power n जो है 0 से एंड करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 to the power n जो नंबर होगा वो एक्चुअली क्या होगा, 4 का ही मल्टीपल होगा, है ना। 4 to the power n जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 का ही मल्टीपल होगा। तो आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए कि इसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसमें 2 और 5 आ जाता है, इसका मतलब n का हम वैल्यू डाल के कोई ना कोई नंबर निकाल सकते हैं जो क्या होगा, 0 से एंड करेगा, ठीक है। तो देखो 4 to the power n, इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 का क्या होगा, 2 into 2 होगा, 2 to the power n। तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो हम यही लिखेंगे इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, 5 इज नॉट देयर, 5 इज नॉट देयर। तो देयरफोर बस इतना ही लिखना है, 4 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो स्टूडेंट्स चलिए सॉल्व करते हैं अगला एग्जांपल। एग्जांपल 6 और 7 मैंने ले रखा है, तो ये दोनों को सॉल्व करते हैं फिर आगे का एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल 6 में आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, जरा ध्यान दीजिए, फाइंड द एलसीएम बोला है एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 6 और 20 का, प्राइम फैक्टराइजेशन सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3, और 20 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 2 into 5, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं कर पाते तो आपने को मैंने बताया या तो फैक्टर ट्री बना लीजिएगा या फिर इस तरीके से आप रफ में कर लीजिएगा। तो देखिए 20 का क्या आया, 2 into 2 into 5 आया, या फिर इसको इसके बाद ऐसे लिख दीजिए 2 square into 5, या ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक एक करके एलसीएम और एचसीएफ बताते हैं। तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 ठीक है, तो जब एलसीएम निकालेंगे हम, ये जो नंबर आया है इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लिखने से पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां से सारा 2 हम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2 into 2 हो जाएगा, और 3 सिर्फ केवल इसी में है तो 3 को ले लीजिए, और 5 केवल इसी में है तो 5 को भी ले लीजिए। इस चीज का ध्यान रखना है, जो चीज है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो जिसमें ज्यादा है वही हम ले रहे हैं। ऐसे इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, तो इसको ले रहे हैं, और उसके बाद 3 और 5 जो बच रहा है वो भी ले लेंगे, किसके केस में, एलसीएम के केस में। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 4 2 12 12 5 60, ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ का बात करते हैं, एचसीएफ ऑफ 60 and 20, इसका एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ सिर्फ जो कॉमन है वही हम उठाते हैं, जैसे इसमें 2 और 2 कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक ही 2 इसका होगा, इसका मतलब HCF of 6 and 20 is 2, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल 6, अब हम करेंगे एग्जांपल 7 का सॉल्यूशन। चलिए यहां से स्टार्ट कर देता हूं एग्जांपल 7 का सॉल्यूशन में। एग्जांपल 7 का सॉल्यूशन में क्या बोला, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन को इसका करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का क्या हो जाएगा, 96 का हो जाएगा, चलिए यहां निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को, जिसको नहीं आता है डायरेक्टली निकालना वो इस प्रोसेस का फॉलो करेंगे, इजीली हो जाएगा, ये रफ काम है। 248 जा 96, 224 जा 48, 212 जा 24,
टू सिक्स जा 12 एंड 2 3 जा 6, फिर लास्ट में 3 होने, तो कितना सारा 2 आया, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1 2 3 4, 5 टाइम्स 2 और एक बार है 3, तो इनटू 3। तो इसको या तो ऐसे छोड़ दीजिए या फिर पावर नोटेशन में लिख दीजिए 2 to the power 5 इंटू 3। अगला नंबर क्या है, 404। तो इसको भी आप चाहे तो फैक्टर ट्री से कर सकते हैं या फिर ये वाले मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं 404 का क्या होगा, 202 और फिर 2 से जाएगा ये 2 1 जा 2 2 1 2 0 जा 0 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, ये नहीं जाएगा, 101 जो है प्राइम नंबर ही है। तो ये बन जाएगा आपका 2 into 2 into 10 101, तो ये हो गया 2 square into 101। इसमें सिर्फ क्या बोला है, HCF बोला है ना, यहीं पर इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो HCF क्या होगा इसका, HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या आ जा रहा है, सिर्फ कॉमन लेना है ना हमको, तो 1 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 into 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया एग्जाम्पल 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आगे जो आगे का एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आधा पार्ट रह गया एक्चुअली। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये भी बोला था कि हेंस फाइंड देयर एलसीएम, पहले आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला था, ये एचसीएफ हमने निकाला था, और फिर बोला था इसका एलसीएम भी फाइंड करने के लिए। तो ये फाइंड करने के लिए हम एक मेथड सीखेंगे अभी, ठीक है, और उस मेथड का यूज करेंगे, आपने पहले भी किया था, ठीक है, 7 क्लास में। वो क्या होता है कि जब दो नंबर का हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हैं तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के साथ एलसीएम और एचसीएफ का एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर के केस में ये ट्रू है, अगर तीन नंबर है तो नहीं होगा। दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जब आप निकालते हैं और उस एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो वो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ तो आ गया था 4, हम एलसीएम को मान लेते हैं कि क्या है, ये एक्स है, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू एक्स, इसको ले लेते हैं लेट। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मतलब 96 इंटू 404 और एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब एलसीएम है यहाँ पे x और एचसीएफ है 4। तो x का जो वैल्यू होगा वही होगा एलसीएम, x का वैल्यू निकालने के लिए 4 को हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। अब इसको कैंसिल करिए, 2 2 जो 4 2 2 जो 4 एंड अगेन 2 2 जो 4, 2 1 जो 2 2 1 जो 2 2 1 जो 2, तो कितना हो जाएगा 101 into 96, मार दीजिए फटाफट 606 909, तो 9696, ठीक है, इज इक्वल टू 96 सॉरी x इज इक्वल टू 9696। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टी एलसीएम ऑफ द नंबर्स जो दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल 8 क्या है, एग्जाम्पल 8 में बोला गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, इसको नोट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 8, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तीन नंबर दिया, अच्छा ये वाला जो रिजल्ट है इसको नोट कर लीजिए, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिले बोर्ड में या फिर छोटा एक वन मार्क्स का क्वेश्चन मिले। तो दो नंबर अगर हो तो ये रिलेशनशिप ट्रू होता है, अगर दो से ज्यादा हो तो ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं होता। अब दो नंबर के केस में कभी कभार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे दिया है और एचसीएफ आपको दे दिया, बोला फाइंड द एलसीएम, मतलब दो नंबर नहीं दिए लेकिन दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे दिया है और उसका एचसीएफ भी दे दिया है और आपको बोला है एलसीएम फाइंड करने के लिए, तब आप इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो चलिए एग्जांपल नंबर 8 में जो क्वेश्चन बोला है उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। एग्जांपल 8 में बोला है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। तो जो नंबर है कॉप में लिख लीजिए 672 एंड 120। 6 है, 72 है और 120 है। तो ये तीन नंबर का आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अगर आप डायरेक्ट ना कर पाए तो मैंने क्या बोला था आपको, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो रफ में एलसीएम कर लेना इस तरीके से। ये तो सभी कर पाएंगे, 236 जा 72, फिर 218 जा 36, फिर 29 जा 18, फिर 33 जा 9। तो देखिए 2 2 2 3 3। उसके बाद 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ये हो जाएगा 2 cube into 3 into 5। ठीक है, नाउ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल दिया, अभी एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 672 120। तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 क्यूब सबसे ज़्यादा है, इसको लिख लेते हैं 2 क्यूब। फिर 3 है इसमें, इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें भी 1 3 है, तो जो सबसे ज़्यादा है उसको ले लेते हैं। 2 और 3 2 और 3, इसमें 5 भी है, तो जो बच जा रहा है। एलसीएम के केस में ऐसा करना होगा कि जो है ऐसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो 2 क्यूब ज़्यादा है उसको ले लिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 स्क्वायर सबसे ज़्यादा है तो 3 स्क्वायर को ले लिया, और 5 इसमें बच रहा है, बाकी में नहीं है, फिर भी इसको ले लेंगे, एलसीएम का यही नियम है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाता है 8, इंटू 3 स्क्वायर हो जाता है 9, इंटू 5, तो 5 8 जा 40, 360 है ना, 8 5 जा 40 इंटू 9, 360। अब एचसीएफ की बारी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 672 120। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 1 2 कॉमन आ रहा है सब में, 2 2 2, फिर 3, हाँ 1 3 तो एटलीस्ट सब में कॉमन आ रहा है, ये तो ये हो जाएगा 2 into 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम का आंसर और ये हो जाएगा इसका एचसीएफ का आंसर। ठीक है, तो एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिया जो एक्सरसाइज 1.2 से पहले है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 को भी एक बार में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मज़े से पढ़िए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।